जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के आज पहली बरसी है और देश शहीद जवानों को सलाम कर रहा है। सीआरपीएफ ने भी अपने जवानों को याद किया और लिखा है, हमने भूला नहीं, हमने छोड़ा नहीं। सीआरपीएफ ने ट्वीट कर लिखा, तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शेर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। आगे लिखा गया, हमने भूला ही नहीं, हमने छोड़ा ही नहीं, हम अपने भाइयों को सलाम करते हैं जिन्होंने पुलवामा में देश के लिए जान दी, हम उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने लिखा कि मैं पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। भारत हमेशा हमारे बहादुरों और उनके परिवारों का आभारी रहेगा जिन्होंने हमारी मातृभूमि की संप्रभुता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। पुलवामा हमले को आज एक बरस बीत चुका है और आज हमले की पहली बरसी पर उत्तराखंड विधानसभा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पौधारोपण से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुलवामा हमले में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। वहीं शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग की। दूसरी ओर शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता ने बेटे के याद में गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने की भी बात कही। पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी के दिन में देश आज शहीद जवानों को याद कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कई तरह के सवाल भी खड़े किए। नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि अभी तक हमले की जांच का क्या हुआ, आखिर इससे किसे फायदा पहुंचा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पुलवामा हमले पर तीन सवाल पूछे। कांग्रेस नेता ने लिखा, आज जब हम पुलवामा के 40 शहीदों को याद कर रहे हैं तब हमें पूछना चाहिए पुलवामा आतंकी हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के हुई जांच से क्या निकला, सुरक्षा में चूक के लिए मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा कि पुलवामा ग्रीनशस हमला था और ये निष्ठापूर्ण बयान है कि किसको फायदा हुआ है। संबित पात्रा ने कहा कि मिस्टर गांधी के आप फायदे के आगे भी सोच सकते हैं, जाहिर तौर पर नहीं। गांधी परिवार फायदा के अलावा तो सोच ही नहीं सकता। वे सिर्फ भौतिक रूप से भ्रष्ट नहीं, उनकी आत्माएं भी भ्रष्ट हैं। निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों गुनहगारों को अलग अलग फांसी पर लटकाए जाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट दोषी विनय शर्मा को राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर भी आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहस करने के लिए पूर्व जज और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश को एमिकस नियुक्त किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अंतिम बहस सुनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने ताजमहल का दीदार करने आ सकते हैं। ट्रंप के 24 और 25 फरवरी को दिल्ली आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को लेकर के लखनऊ और आगरा के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया। शनिवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में ट्रंप के आगरा दौरे की रूपरेखा बनाई जाएगी। व्हाइट हाउस से जुड़े सुरक्षा अधिकारी भी दो बार ताज के विजिट करके जायजा ले चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा को देखते हुए ताज नगरी में भी प्रशासनिक मिशनरी अलर्ट पर है। पिछले महीने दो बार एडवांस टीम ने खेरिया एयरपोर्ट से लेकर के ताजमहल तक का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ बयान देने के आरोप में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के खिलाफ में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की। शुक्रवार को डॉक्टर कफील खान जमानत पर रिहा होने वाले थे, लेकिन रासुका लगने से उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ गई। डॉक्टर कफील खान पर पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यूपी एसटीएफ ने कफील को जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था।
यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। लखनऊ विधानसभा गेट पर कांग्रेसी विधायकों ने महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता गैस सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेसी विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। गैस के दाम में इजाफे को लेकर के नारेबाजी की, बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भी विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जैसे ही सदन में पहुंचे, सपा और कांग्रेस के सदस्य प्रदेश के कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। उनकी मांग नकारते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नोत्तर काल का समय बाधित करना वरिष्ठ सदस्यों को शोभा नहीं देता। इस पर सपा और बीएसपी ने सदन का बहिर्गमन कर दिया। स्पीकर के आग्रह को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने उसे अस्वीकार किया। सदस्य बेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। उत्तर प्रदेश के निजी आयुर्वेदिक कॉलेजेस में फीस बढ़ोतरी को आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने जायज बताया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेजेस में पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं मिले और मॉडर्न ढंग से पढ़ाई हो सके, इसके लिए कुछ रियायतें देनी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के कई आयुर्वेदिक कॉलेजेस में फीस वृद्धि को लेकर के विरोध पर छात्र और छात्राएं हैं। गैरसैंण में कांग्रेस ने चार दिन के सत्र पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने साफ कहा कि सरकार को गैरसैंण में लंबा सत्र आयोजित करना चाहिए, न कि सिर्फ चार दिन में। उनके अनुसार चुनाव पास में है, सरकार को गैरसैंण की याद आ रही है और इसलिए गैरसैंण में सत्र कराने का फैसला सरकार ने लिया, लेकिन इस सत्र को लंबा आयोजित करना चाहिए। उनके मुताबिक बीजेपी को गैरसैंण को राजधानी घोषित करनी चाहिए, जिस तरह उनके नेता बयानबाजी करते रहे हैं। उत्तराखंड की लाइफ लाइन कहलाने वाली 108 आपातकालीन सेवा पर बजट का संकट आ चुका है। 108 सेवा के प्रभारी अनिल शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ समय से 108 आपातकालीन सेवा का शासन से बजट जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुश्किलें काफी ज्यादा है। कभी भी 108 आपातकालीन सेवा पर संकट खड़ा हो सकता है। शासन को पत्र भेज करके जल्द ही बजट की मांग की गई है, ताकि 108 जैसी आपातकालीन सेवाओं को सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 दिन बाद भी बिना आरक्षण पदोन्नति प्रक्रिया बहाल नहीं होने से नाराज जनरल ओबीसी वर्ग के करीब 1.25 लाख कर्मचारी ने कार्य बहिष्कार कर दिया। देहरादून में कार्य बहिष्कार के साथ में कर्मचारियों ने रैली निकाल करके सचिवालय कूच किया, विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कर्मचारियों ने मंत्री रेखा आर्य और यशपाल आर्य के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने दोनों मंत्रियों पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के साथ न देने का आरोप लगाया। उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा आर्य के रवैये से जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन खासा नाराज है। एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि रोस्टर प्रणाली के लिए जो कमेटी बनी है उसी कमेटी को मानेंगे। उनके अनुसार अगर रेखा आर्य के कहने पर किसी रिटायर्ड कर्मचारी को कमेटी में शामिल किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने यह भी साफ किया कि अगर कार्मिक विभाग से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से लेकर के विभाग के चपरासी को भी हटाया गया तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री डेट पर लगने वाले पंजीयन शुल्क के दर को एक समान करते हुए सरकार ने अमीर और गरीब की भेदभाव को खत्म कर दिया है। अब सभी लोगों को एक समान पंजीयन शुल्क देना होगा। सभी लोगों को रजिस्ट्री डेट पर अब 1% पंजीयन शुल्क देना होगा। मौजूदा समय में यह शुल्क 2% या अधिकतम 20,000 रुपये लिया जा रहा है। इससे आम लोगों पर जहां अधिक भार पड़ रहा था, वहीं पर अमीर लोगों को राहत मिल रही थी। इस विषमता को समाप्त करने के लिए सरकार ने पंजीयन शुल्क को एक समान कर दिया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में पंजीयन शुल्क की नई दर प्रभावी हो चुकी है। ऑनलाइन टीवी की खबर का राजधानी लखनऊ में बड़ा असर हुआ है। 4 महीने से पीजीआई में होमगार्डों को दैनिक भत्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद में पीजीआई निदेशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान ने संज्ञान लिया और 60,000 होमगार्डों का भुगतान का चेक तुरंत जारी करने का आदेश दिया।
कोरोना वायरस को लेकर के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो लोग जो यात्री चीन से वापस आ रहे हैं उनमें इसका खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। कोरोना वायरस के चलते इंडो नेपाल सीमा पर चाइनीज नागरिकों के नेपाल के रास्ते भारत प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारत सरकार की ओर से 5 फरवरी को जारी एडवाइजरी के मद्देनजर बनबसा नेपाल सीमा पर स्थित आवर्जन चेक पोस्ट पर तैनात आवर्जन अधिकारी बनबसा सीमा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई चाइनीज व्यक्ति इस बॉर्डर से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश न कर सके। देहरादून में फर्जी इंश्योरेंस रैकेट से जुड़ा ताजा मामला सामने आया है, जिसमें रैकेट की ओर से लगातार फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर का फर्जी इंश्योरेंस सामने आया है। मामला सामने आने पर आरटीओ ने मालिक पर नोटिस जारी किया था, पर ट्रैक्टर मालिक ने आरोप इंश्योरेंस एजेंट पर लगाया। ट्रैक्टर मालिक की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के महाप्रबंधक राजीव चौधरी चित्रकूट पहुंचे। महाप्रबंधक ने मुख्यालय चित्रकूट, धाम करबी और मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक राजीव चौधरी के आगमन को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से रूट पर पड़ने वाली सभी स्टेशनों को और वहां की साफ सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। मुख्यालय करबी और मानिकपुर स्टेशन परिसर को रंग रोगन करके चमकाया गया। महाप्रबंधक ने यहां पौधारोपण भी किया। इस दौरान बांदा सांसद आर के सिंह पटेल ने राजीव चौधरी से मुलाकात करके चित्रकूट तीर्थ स्थल के लिए ट्रेनों की व्यवस्था समेत ओवरब्रिज बनाने की चर्चा की। पीलीभीत के आयुर्वेदिक महाविद्यालय के पास में पिछले कुछ दिनों से शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, जिसको लेकर के आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं सहित कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आयुर्वेदिक कॉलेज के पास में एक पुराना तालाब है जिसको कूड़े से पाटा जा रहा है, जिसके चलते भारी गंदगी और बदबू की वजह से सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संभल में एडीओ पंचायत की तैनाती के बाद में सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान और विकास खंड के कर्मचारी अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि प्रभारी एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं और वहीं उन्हें एक बार गंभीर आरोप की वजह से बनियाखेड़ा विकास खंड से हटाया जा चुका है। ऐसे में हम लोग इनके साथ में काम नहीं कर सकते। बुलंदशहर में बिजली चोरी पकड़ी गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल यह घटना खुर्जा कोतवाली नगर गांव उस्मानपुर की है, जहां पर विद्युत कर्मचारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। इस दौरान 4 विद्युत कर्मी घायल हुए। ग्रामीणों ने टीम के वाहनों को भी तोड़ दिया। हमले में विद्युत जेई समेत 4 संविदा कर्मी भी घायल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में बीती रात अराजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा की उंगली तोड़ दी, जिसकी जानकारी लगते ही तनाव पैदा हो गया। आनंद फानंद पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे, उंगली को प्रतिमा से दोबारा जुड़वा दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि प्रतिमा तीसरी बार क्षतिग्रस्त की गई है, पहले भी दोबारा इसे तोड़ा जा चुका है। बदायूं के ककराला सीएचसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 24 घंटे उपलब्ध सेवाओं वाली सीएचसी पर रात के समय में एम्बुलेंस प्रसूता को लेकर के आई तो ताला लटका हुआ मिला। एम्बुलेंस घंटे भर स्टाफ द्वारा सीएचसी का ताला खोलने को हुटर बजाती रही, लेकिन डॉक्टर से लेकर के चपरासी तक कोई नहीं आया। प्रसूता ने इंतजार करते करते एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया, मगर इसके बाद भी कोई डॉक्टर और स्टाफ कर्मी नहीं आया तो बच्चा और दच्चा को फिर से उपकेंद्र पर भेजना पड़ा। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 14 साल की बच्ची के 12 घंटे बीत जाने के बावजूद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर या अन्य स्टाफ बच्ची को देखने नहीं पहुंचे। बच्चनों का कहना है कि बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आशा वर्कर द्वारा एक गर्भवती महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आशा वर्कर द्वारा गर्भवती महिला के साथ में हाथापाई करते हुए साफ दिखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद में सीएमओ डॉक्टर एम सी गर्ग ने जांच की बात कही है।
वाराणसी में एक घर में चार लोगों का शव मिला है। मृतक एक ही परिवार के हैं। मामला वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र का है। दंपति का शव एक कमरे में फंदे से झूलता हुआ मिला, जबकि दो बच्चों का शव दूसरे कमरे में पड़ा मिला। पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच करने में जुटी है। खुदकुशी की वजह कारोबार में घाटा और कर्ज से परेशानी फिलहाल बताई जा रही है। इटावा की जिला कचहरी में डीएम कार्यालय के सामने पीड़िता मीरा यादव गुरुवार से अपनी दो बेटियों के साथ में भूख हड़ताल पर बैठी हैं। पीड़िता विधवा है। पीड़िता का आरोप है कि जमीन के विवाद में उसके ससुराल वालों ने 6 साल पहले इसके पति की हत्या कर दी थी। दरअसल ससुराल वालों ने इस मुकदमे में गवाही न देने का दबाव पीड़िता पर बनाया। इसी बात से नाराज होकर के पीड़िता अपनी दोनों बेटियों के साथ में भूख हड़ताल पर बैठी है। हमीरपुर जिले में दो युवकों ने एक महिला पर जानलेवा हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। मामला जारिया थाना के ग्राम चंदौत का है, जहां पर अपने मौसेरे भाई के साथ में बाइक से जा रही युवती पर जालौन के ही रहने वाले दो दबंगों ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली युवती को लगी। आनंद फानंद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत काफी नाजुक है। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुरादाबाद में किसान नेता ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। किसान नेता नीतू चौहान मूढ़ा पांडे ब्लॉक के अध्यक्ष थे। परिजनों के मुताबिक प्रदेश में हुए विकास आंदोलन के बाद में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद में थाना पुलिस और कोतवाली शक्ति सिंह कोतवाल ने उन्हें परेशान करना शुरू किया। आए दिन पुलिस के उत्पीड़न के बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस अधिकारी मामले की जाँच की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद के मोढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में पुलिस प्रताड़ना से परेशान किसान नेता के आत्महत्या मामले में किसान धरने पर है। पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर के नीतू चौहान के आत्महत्या की सूचना पर बड़ी संख्या में भी नेता मोर्चरी पहुंचे। किसानों में पुलिस के खिलाफ में आक्रोश दिखा। किसानों का कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। गोंडा रेलवे स्टेशन के कचहरी हॉल्ट पर डीजल वैगन पर चढ़ करके टिकटॉक वीडियो बनाने के फेर में एक युवक की जान पर बनाई। हुआ यूं कि कुछ लड़के शुक्रवार सुबह टहलने निकले थे, उसी में एक युवक वहां खड़े पेट्रोलियम डीजल वैगन पर चढ़ करके टिकटॉक करने की कोशिश की। इंजन पर चढ़ करके वो टिकटॉक बनाने लगा, तभी ऊपर से गुजर रही हाइड्रेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से गंभीर रूप से झुलस गया। ये देख करके उसके साथ गए दोस्त भाग खड़े हुए। आसपास के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कानपुर में मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जहां उसे कल्याणपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से बगैर नंबर की मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। बिठोर थाना अध्यक्ष के मुताबिक वो गुरुवार रात फोर्स के साथ में ब्लू बर्ड तिराहा मदना बिठोर रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी मदना की ओर से आरोपी बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वालों को देख करके वो रुका और बाइक को टर्न करके भागने की कोशिश करने लगा, तभी पुलिस उसका पैर फिसल करके पुलिस के दौड़ाने पर उसका पैर फिसला। गिरते ही पुलिस वालों पर उसने फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। अम्बेडकर नगर के पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगने की वजह से हजारों मुर्गियां जल करके मर गई। घटना जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के अशरफाबाद गांव का है, जहां पर सुबह अचानक अज्ञात कारणों से पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। आग लगने से 10,000 मुर्गियां जल गई। सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कासीराम कॉलोनी की एक बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर एक बंद फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग लगने से फ्लैट में रखा दो बहनों को और उनके लिए दिया जाने वाला दहेज का सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित के मुताबिक आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। कॉलोनी वासियों को खुद ही आग बुझानी पड़ी। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 30 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से डिवाइडर से टकरा गई।
जिस कारण यह हादसा हुआ, सभी लोग महिलाओं का शव लेकर के दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे थे। महिला की मौत डिलीवरी के दौरान हुई थी। इसी दौरान ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। अब पक्षी प्रेमियों के लिए खास मौका सामने आया है, जिसमें अब साइबेरियन पक्षियों को काफी करीब से देखा जा सकेगा। दरअसल गढ़वाल मंडल विकास निगम ने आसन झील में व्यू पॉइंट बनाने के साथ साथ में दूरबीन लगाया है, जिसके जरिए पर्यटक और पक्षी प्रेमी विदेशी पक्षियों की गतिविधियों को नजदीक से देख सकेंगे। झील में बोटिंग का भी दरअसल संचालन किया जा रहा है, जो कि पक्षियों को नजदीक से देखने का बेहतर विकल्प बनेगा। लखनऊ में आधी रात को जन्मदिन मनाते कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नियमों को ताक पर रख करके ये छात्र बीच सड़क पर केक काट करके जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। तभी कमिश्नर साहब वहां पहुंच गए, छात्रों को उनका आईडी कार्ड दिखाने को कहा, लेकिन कोई भी छात्र अपना आईडी कार्ड नहीं दिखा पाया। बागपत में शादी में डांस को लेकर के दो पक्षों में जमकर के मारपीट हुई। दूल्हे की घुड़चढ़ी के दौरान डांस को लेकर के हंगामा हो गया। इसी दौरान एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला बोल दिया। इस दौरान बारात में आए एक शख्स ने लड़ाई का वीडियो बना करके वायरल कर दिया। निराना गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा के एतमादुद्दौला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान जमकर के कानून के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह के दौरान खुद दूल्हा हर्ष फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। वहीं इस हर्ष फायरिंग पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बरेली के चौके चौराहा के पास में दो छात्र गुट आमने सामने आ गए। रेस्टोरेंट में शुरू हुआ विवाद चंद मिनटों में सड़क पर आ गया। दोनों छात्र गुटों में बीच सड़क पर खूब लाठी डंडे चले। खास बात यह रही कि 100 मीटर दूर महिला थाना था। एक मुसाफिर ने मारपीट की सूचना पुलिस को दी भी, लेकिन महिला थाने की टीम ने मौके पर जाने की जहमत नहीं उठाई। 10 मिनट तक हुए उपद्रव का एक वीडियो भी सामने आया। कृष्णा टावर के नीचे रेस्टोरेंट है। एक निजी कॉलेज के छात्र यहां पर युवतियों के साथ में वैलेंटाइन वीक पर सेलिब्रेट करने आए थे। बताया जाता है कि छात्रों के साथ में मौजूद एक युवती का पूर्व प्रेमी भी वहां आ गया। मामला तुल पकड़ा तो युवक ने साथियों को बुला लिया। रेस्टोरेंट के बाहर गुटों में मारपीट हुई। युवकों के पास लाठी डंडे भी थे। इसी बीच किसी ने वीडियो बनाई और वायरल कर दिया। यूपी के रामपुर में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस दौरान वो खुद परिवार परामर्श समिति के सदस्यों के साथ में बैठे और आपसी विवादों से उजड़ते घरों को दोबारा बसाने के प्रयास सफल तौर पर किए। पुलिस अधीक्षक की बात से सहमत होकर के अपने परिवार को उजड़ने से बचाने वाले परिवारों को संतोष कुमार मिश्रा ने अपने ऑफिस में बुला करके सम्मानित किया। साथ ही गुलाब का फूल देकर के गले भी लगाया। विश्व क्रिकेट के दो बड़े नाम भारत के सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा एक नेक काम के लिए एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ये दोनों चैंपियन खिलाड़ी T20 टूर्नामेंट अनअकैडमी सड़क सुरक्षा विश्व सीरीज के पहले मैच में आमने सामने होंगे। 7 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया लेजेंड्स और वेस्टइंडीज लेजेंड्स की टीमें मुकाबला करेंगी। गुरुवार को जारी हुई सीरीज के कार्यक्रम के मुताबिक टूर्नामेंट में कुल 11 मैच खेले जाएंगे। मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे। इस सीरीज में भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिणी अफ्रीका के कुछ बड़े क्रिकेटर भी हिस्सा लेंगे, जिसमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, ब्रायन लारा, शिव नारायण चंद्रपाल, ब्रेट ली, ब्रेन हॉग, जोंटी रोड्स, मैथया मुरलीधरन, तिलक रत्ने, दिलशान और अजंता मेंडिस शामिल हैं। और हॉकी कप्तान पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी के FIH के प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। मनप्रीत 1999 में ये पुरस्कार शुरू करने के बाद में इसे हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। मनप्रीत को सबसे ज्यादा 35.2% वोट मिले। उन्होंने विश्व चैंपियन बेल्जियम के विक्टर बैगनेस और आर्थर वॉन डोरेन, ऑस्ट्रेलिया के अरान जॉलवेक्सकी और अर्जेंटीना के लुकास विला को पीछे छोड़ा।
डोरेन 19.7% के साथ में दूसरे, जबकि लुका 16.5% वोट के साथ में तीसरे स्थान पर रहे। मनप्रीत ने पिछले साल जून में ओडिशा के भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी सीरीज फाइनल के दौरान भारत के लिए अपने 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच पर पूरे किए थे। उनकी कप्तानी में उनके कैप्टनशिप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया था। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुक्केबाजी कार्यक्रम के अगले महीने में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर से पहले नंबर एक रैंकिंग दी गई है। अब अमित पंघल एक दशक से भी अधिक समय में इस श्रेणी में शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन चुके हैं। आदित्य राय कपूर और दिशा पटानी के फिल्म मंगल ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है। पहले हफ्ते में मलंग की रफ्तार सधी हुई रही, कलेक्शन में बहुत अधिक गिरावट नहीं देखी गई, जिससे चल और इस वजह से फिल्म ने 7 दिनों में लगभग 40 करोड़ का कलेक्शन किया। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार इस साल एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी अक्षय की झोली में सूर्यवंशी, लक्ष्मी बम, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, अतरंगी, रे, धूम 4 और बेल बॉटम जैसी फिल्में हैं। साल 2017 में आए हिंदी मीडियम के बाद में एक्टर इरफान खान एक बार फिर से दर्शकों को अपने स्टाइल में भाषा का ज्ञान देने आ चुके हैं। इरफान खान स्टार फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें वो राधिका मदान के साथ नजर आ रहे हैं।